आज पूरे पटना के गरीब जो पटना नगर निगम क्षेत्र में है, पंचायत में है, सदर प्रखंड के निकाय के, जो सुशासन की सरकार है, दलित पिछड़ों की चलने वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये अपने मुंह से कहते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी के लोग 30 साल से बीजेपी के लोग विधायक जीत रहे हैं, एमपी तो दो हैं, 17 साल से नगर निगम पर कब्जा किए हुए हैं बीजेपी के लोग, नगर विकास मंत्री है 15 साल से। क्या हुआ आज गरीबों के लिए? आज गरीबों के लिए कोई काम नहीं हुआ। तो हम इस मांग को लेकर जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं कि आज गरीब लोग सबसे बुरे हाल में है, पटना से 50 KG अनाज दीजिए। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आप किसानों को देते हैं मुआवजा, हम तो कम से कम 6 हजार को ग्रामीण क्षेत्रों में देते हैं, वो शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा दीजिए। और जितने गरीब को ले आप जाकर के देख लीजिए, मोदी मोदी मुसाहरी के पास मान ली लोग हैं, भूपतिपुर में मान ली लोग हैं, आप रानी पैजावा में चले जाइए, आप दीन टोली में चले जाइए, दीघा के अंदर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। हजारों ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास आज पीने का शुद्ध पीकर पेयजल का उपलब्ध नहीं है। क्या कर रहा है नगर निगम? 50 बार जीते हुए बीजेपी के लोग महापौर जीते हुए टैंकर से पानी तक उपलब्ध नहीं करा रहे। इन मांगों को लेकर के कोई दलित बस्ती में, मलिन बस्ती में आप घूम जाइए, कहीं डीडीटी का छिड़काव, कीटनाशक का छिड़काव नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं ये लोग? तो इनके ये जो इनका नकारापन है इस सरकार का, इस नगर निगम का, इसके खिलाफ आज हम लोग भाजपा माले की ओर से पूरे पटना के हजारों गरीब लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग करेंगे कि सभी गरीबों को 50 KG अनाज, 6000 रुपया, सभी का शुद्ध पेयजल का पानी और मुफ्त चिकित्सा का शिविर लगाया जाए, सब जगह गरीबों को चिकित्सा शिविर का लाभ दिया जाए। ये किसान वाला मांग है, किसान का खेत अभी जल्ला, किसानों में आप देख लीजिए जल्ला, किसान का पूरा उजड़ कर गया, लाखों लाख रुपया सब लोग का बर्बाद हो गया। आप क्या बोलते हैं सारी स्थिति पूरी है, इसलिए मुआवजा सरकार को देना होगा, हर हाल में देना होगा, इसके लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जय कुमार भाजपा माले राज्य कमेटी सब प्रदर्शन कर रही हैं। हमको सब घर दुआर दुकान में सब आधा घर दुआ सब टूट गया है, जितनी 15-16 घर गिर गया है मट्टी वाला, बच्चा सब पानी न रहता, कुछ हम लोग पानी छान के डूबे पैर के बांस लाने के लिए, बांस ला के सब चाली बनाए, खैर चाली पर तो बच्चा के सुता लिए, बाकी फिर बच्चा खेलने बिना मानता नहीं है, इसीलिए 11 बुखार बच्चा के कागो से रोज हो रहा है, रोज दम बीमारी फैल रहा है। हमको हमको कोई नहीं सरकार ताक रहा है, नहीं जान रहा है, नहीं पूछ रहा है कि हम क्या करें, कमाने के लिए काम नहीं मिल रहा है कि हम लोग कमा के बच्चा के दावा भी रोक करें, इसलिए हम अपना सरकार में आए हैं कि हमको कुछ मुआवजा हम लोग के देवे सहन दे। सरकार स्वास्थ्य केंद्र भी लगाई है शिविर आपके यहाँ, क्या वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था है, नहीं कल है, न घर है, नहीं पैखाना है, अपना अपना मट्टी के मकान बनाए हुए हैं, 1500 को मकान ढह गया आज लगे कोई। कितना का नुकसान हो गया बाढ़ में? बाढ़ में 12 कम से कम 15-16 मकान गिर गया, सब मट्टी वाला घर। तो यहाँ किनके पास जा रहे हैं आप अभी? हम DM के पास जा रहे हैं। कहाँ से आप हैं? जेल तर से। नाम बताइए। नाम कोर्की देवी।